हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम बातचीत करेंगे किसी से टाइम किस तरह पूछते हैं। अगर मुझे टाइम पूछना है, टाइम क्या हुआ है, तो आज उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो उसका आसान सा तरीका है, पूछते हैं व्हाट इज़ द टाइम। अच्छा, लाइक क्यों लगाया है यहाँ पर? वैसे इसका कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है। आजकल ऐसा बोलते हैं व्हाट इज़ द टाइम, लाइक टाइम क्या हुआ है। और उसको शॉर्ट में करने के लिए व्हाट इसको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्स करना पड़ेगा, व्हाट्स द टाइम लाइक, ऐसा भी आप कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, ये मैंने पहले ही बात करो, आप ऐसे बोल सकते हैं टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम लाइक, टाइम क्या, व्हाट इज द टाइम प्लीज, लाइक ऐसा, तो व्हाट इज द टाइम प्लीज, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास शायद आपको इट की थी, उसमें पता होगा, उसके लिए हम इट का यूज़ करते हैं, टाइम के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले टाइम बताने के लिए मैं आपको एक वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। देखिए, 3 बजे हैं, सपोज 3 PM ऐसा कुछ बोल सकते हैं, 3 PM। फिर आपने देखा होगा 3:15 जिसको बोलते हैं 3:15, ठीक है। फिर आता है 3:30 जिसको बोलते हैं 3:30। फिर आता है 2:45 जिसको बोलते हैं 3:45 बोल सकते हैं इसको हम, जिसको बोलते हैं 3:45। ये हिंदी में तो सबको पता होगा, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बात करो तो इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं आप, ये ध्यान रखना। अगर 3 की बात करो तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बोल सकते हैं इट्स 3 PM, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3 PM बोल लीजिए, इट्स 3 o'clock बोल लीजिए। अगर 3:15 की बात करूँ तो 3:15 के लिए मैं बात करूँ, इसके लिए हम बोलते हैं इट्स 1:15। 3:15 से ज़्यादा टाइम हो रहा है तो पास्ट यानी कि बीत चुका, 3 बजे का टाइम बीत चुका, इट्स 15:15 ऐसा कुछ बोल सकते हैं, इट्स 3:15 यानी कि 3:15 हो चुके हैं, 3:30 हो चुके हैं, इट्स 3:30, 3:30 ये है 3:30 का। अगर 3:30 हो चुके तो 3:30, 3:45 है तो इसके लिए बोलेंगे इट्स लगा लें इससे पहले भी, इट्स 3:30, इट्स 1:15, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, इट्स 1:15 to 4 आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो बोलेंगे नहीं आप, 3 के तो यहाँ कुछ हो चुका है, तो ये बोलता है 3:45 जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से आप 3, 4, 5 जो भी आपको टाइम बताना है इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा आया है, इसके लेकर के आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ क्या पर आना है क्या है। तो इसका सबसे आसान इजीएस्ट तरीका जो है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यूजुअली हो सकता है आपको पता भी हो और सब लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इजीएस्ट वे क्या है आपके लिए, मैं आपको इजीएस्ट वे बताता हूँ। सिंपली आपको क्या बोलना है, इट्स लगा करके, इट्स 3 PM, 3 बज चुके हैं, 3:15 बजे हैं, इट्स 3:15, क्योंकि वो तो केवल 3:30 के लिए और 3:45 के लिए, लेकिन अगर 3:20 हो तो क्या बोलेंगे, तो सिंपली क्या बोलेंगे, इट्स 3:20 PM, 3:20 हुए हैं, ठीक है। या इट्स 3:27, 3:27 हुए हैं, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लगाना है ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो कई बार ऐसा 3 बज चुके हैं, सो इट्स जस्ट थ्री, यानी कि अभी 3 बजे हैं, इट्स जस्ट 3 PM, या अभी तो केवल 3 ही बजे हैं, इसका मतलब ये भी है, और 3 बजने वाले हैं तो इसके लिए लगाते हैं इट्स अबाउट टू 3, यानी कि 3, इट्स अबाउट टू 3 PM, यानी कि 3 बजने वाले हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। जब कोई बोले 10 बजने वाले, इट्स अबाउट टू 10, 12 बजने वाले, इट्स अबाउट टू 12, तो कहीं भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं टाइम का इस तरह, ठीक है। अब इसका यूज़ केवल टाइम के लिए नहीं होता है, आप इसका यूज़ टाइम के साथ साथ अगर चाहें तो आप डे और डेट पूछने के लिए, मंथ पूछने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज डेट क्या है, व्हाट्स द डे टुडे, या आज डेट क्या है, व्हाट्स द डेट टुडे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अगर मैं डे की बात करूं तो इसके लिए भी लगाएंगे, इट्स मंडे, आज मंडे है, इट्स मंडे टुडे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं टुडे इज मंडे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, टुडे इज मंडे, आज मंडे है, आज ट्यूजडे, आज संडे है, जो भी है। डेट की बात करूं तो इट्स, जैसे इट्स 10th May, इट्स 10th May, आज 10 तारीख है, ये आज बोल सकते हैं, इट्स 3rd June, आज 3 जून है, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। आप याद रखना, कभी भी आप ये मत बोल देना इट्स 10 May, ये आप ध्यान रखना। यूजुअली ऑर्डिनल नंबर होते हैं, एक न्यूमरल होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं। न्यूमरल नंबर कौन से होते हैं,
अगर न्यूमेरल नंबर की बात करूँ तो न्यूमेरल नंबर होते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ORDINAL। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो डेट्स जो बताई जाती हैं वो हमेशा आप ऑर्डिनल नंबर में बताएं, जैसे इट्स 10th May, ठीक है, इट्स 10 May नहीं, जैसे टुडे इज 3 नहीं, टुडे इज 5, जो भी है 5 May नहीं, टुडे इज 5th May, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। यार अगर मुझे पूछना आपका बर्थडे कब है, वैन इज योर बर्थडे, वैन इज को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वैंस, वेंस योर बर्थडे, बर्थडे को शॉर्ट में बर्थडे लिख सकते हैं, वेंस योर बर्थडे तो बोल सकते हैं, या तो बोल लीजिए इट्स ऑन 20th May, 20 May को है, या फिर बोल सकते हैं इट्स ऑन 20th May, या माई बर्थडे इज ऑन 20th May, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, समझ आया। सो डे और डेट के लिए हम इस तरह पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द डेट, आपका बर्थडे कब है, अच्छा होली कब है, वैन इज द होली, आप ऐसा पूछ सकते, वैन इज दानी, वैन इज होली बोल लीजिए, उसके लिए नो प्रॉब्लम, वैन इज होली, होली कब है, दिवाली कब है, कुछ के लिए भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ इन जून, ये जून में है, इट इज़ इन, जैसे दिवाली कब है, यूजली नवंबर में आती है, तो इट इज़ इन नवंबर, ठीक है, या दिवाली इज इन नवंबर, या दिवाली इज इन नवंबर, या दिवाली कम्स इन नवंबर, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो ये डे डेट पूछने के लिए भी है, कहीं भी किसी से टाइम पूछना हो, डे पूछना हो, डेट के बारे में अगर पूछना हो तो आप इस तरह पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द नोटिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच, एंड स्प्रेड दिस वीडियो अलॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।